सो अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, अगर 2 सालों तक आपने आई चेकअप नहीं कराया और 2 साल के बाद अभी जाके आपने आई चेकअप कराया होगा, तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि पहले जिन बच्चों का -1 पावर था, अभी आज के डेट में वो -3 हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि बच्चों का पावर बढ़ता क्यों है? मतलब जितना हम नहीं सोचते उससे ज़्यादा उनका पावर बढ़ जाता है। हम लोग सोचते शायद 0.25 बढ़ेगा 1 साल में, बट अचानक से 2 से 3 गुना वो पावर बढ़ जाता है। बेसिकली हम माइनस पावर की बात कर रहे हैं, ओके। और क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे लेंसेस मार्केट में आ गए हैं, कुछ ऐसे ग्लासेस मार्केट में आ गए हैं जिनसे काफ़ी हद तक हम उनके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअली बढ़ने से। मैं तो ये नहीं बोलता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा पावर, बट कुछ हद तक उस पावर को ना बढ़ने के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे लेंस के बारे में जिसे एक्चुअली विश्व में कहीं भी जाएंगे किसी कोने में हर जगह वो लेंस अवेलेबल है। 2-3 अच्छे अवार्ड मिल गए हैं। 2 साल क्लिनिकल स्टडी के बाद पाया गया है कि ये जो लेंसेस है 60% मायोपिया को कम करता है या फिर कम करने में हेल्प करता है आपके बच्चे का, ओके। सो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वो कौन सा लेंस है जो आपके बच्चे के पावर को कम कर देगा या फिर बढ़ने से रोकेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश कुमार सिंह एंड आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई केयर एक्सपर्ट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑलरेडी इफ यू हैव सब्सक्राइब, थैंक सो मच। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हैव ए लुक ऑफ दिस ट्रेलर वीडियो, आफ्टर दैट वील गो टू ओरिजिनल वीडियो। A child's happiness begins with what he sees. Unfortunately, without proper myopia management, his sight will only get worse with time, exposing him to the risks of macular degeneration, retinal detachment, blindness. Say no. Don't let myopia take over your child's life. जिस तरह से मायोपिया बढ़ रहा है, स्पेशली 10 साल से कम उम्र के बच्चों में, आने वाले समय में 2050 तक एक अनुमान लगाया गया है कि 5 अरब लोगों को मायोपिया हो सकता है या फिर हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है हाफ ऑफ द लोगों को मायोपिया अपने चपेट में ले लेगा। इसका परमानेंट इलाज अगर आप पूछेंगे तो परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, या तो सर्जरी आप करा सकते हैं, या तो कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, या फिर चश्मा पहन सकते हैं, बट कुछ होता ना किसी बीमारी का, कुछ दवाई या खा लीजिए सही हो जाएगा, ऐसा इसको कोई इलाज नहीं है एक्चुअली। बट इसको कम कैसे करना है ताकि और ये बढ़ न सके, कम करने के लिए बहुत सारे उपाय अवेलेबल हैं। उन्हीं में एक आता है एक्चुअली जिसकी हम लोग बात करेंगे, मायो स्मार्ट लेंसेस के बारे में, जो होया कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है और ये 2-3 इसको अच्छे अवार्ड मिल चुके हैं। और ये लेंस लॉन्च करने से पहले 2 साल तक क्लिनिकल स्टडी किया गया, इस पर क्लिनिकल ट्रायल दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल देने के बाद पाया गया कि ये जो लेंसेस है 60% आपके बच्चे का जो पावर है, माइनस पावर है, उसको कम करने में योगदान देता है या फिर उसको कम कर देता है एक्चुअली। और ये गारंटीड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने ऐसे ही दे दिया प्रोडक्ट और भैया ले लो ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये FDA अप्रूव प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप उनसे पूछ सकते हैं जिन लोगों ने इसको यूज किया है, इसका हर जगह से आप रिसर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी इसका डेटा आपको मिल जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज हम लोग जानेंगे ये प्रोडक्ट कैसे काम कर।
लेकिन उससे पहले आपको ये जानना हो कि आखिर मायोपिया बढ़ता क्यों है, मतलब मेरे बच्चे का पावर इतना जल्दी बढ़ता क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जानते हैं क्या है? मेन रीज़न ये है कि आपके बच्चे या फिर जो घर में जिनको भी मायोपिया है, वो लोग ज़्यादा टाइम नियर एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं। जितना ज़्यादा आप नियर एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मायोपिया बढ़ता जाएगा। वो चाहे आपका रीडिंग बुक हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, कोई भी डिजिटल डिवाइस अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो मायोपिया जल्दी बढ़ने का चांस रहता है एक्चुअली। और जितना ज़्यादा आप आउटडोर एक्टिविटी स्पेंड करेंगे, मतलब घर के बाहर खेलेंगे कूदेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, उस केस में मायोपिया आपका उतना जल्दी बढ़ता नहीं है एक्चुअली। सो एक रिसर्च में पाया गया है कि मोर टाइम स्पेंड ऑन नियर वर्क एक्टिविटीज लाइक यूजिंग डिजिटल डिवाइस, स्टडिंग एंड रीडिंग इज एसोसिएटेड विद अ ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ मायोपिया। ठीक है, ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करेगा कंप्यूटर, मोबाइल या फिर रीडिंग के सामने, उनको मायोपिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अभी सिम्टम्स क्या है मायोपिया का, मतलब कैसे पता करेंगे आपके बच्चे को मायोपिया है या नहीं है? ओके, तो देखेंगे जो सबसे पहला होगा ना, फ्रीक्वेंट हेजेक, बहुत जल्दी जल्दी उसको सरदर्द की शिकायत होगी। एक्सेस वाटरिंग आप दिया, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। बाद में रबिंग, अपनी आंखों को रब करेगा, दोनों आंखों को खुजली करेगा उसमें। ब्लरी विजन व्हेन लुकिंग एट डिस्टेंस, दूर का देखने में वो बोलेगा धुंधला है। दे नीड टू स्क्विंट और पार्शियली क्लोज द आईलिड टू सी द क्लियरली। अब बात करेंगे कि मायो स्मार्ट लेंसेज होता क्या है। तो देखेंगे तो मायो स्मार्ट लेंसेज जो होता है उसमें DIMS टेक्नोलॉजी होती है, जिसका मतलब होता है डी फोकस इनकॉर्पोरेटेड मल्टीपल सेगमेंट एक्चुअली वर्क टू क्योर द मायोपिया प्रोग्रेशन। इसमें क्या कहते हैं, स्लोइंग डाउन, मतलब मायोपिया के प्रोग्रेशन को कम कर देता है एक्चुअली, जो कि आई साइट डिटोरेशन से रिलेटेड होता है। इसमें देखेंगे तो मायो स्मार्ट हेल्प्स टू कंट्रोल मायोपिया प्रोग्रेशन एज वेल एज प्रोवाइड क्लियर विजन। तो अगर हम कोटिंग की बात करेंगे, जिसमें आई शील्ड देखे लिखा हुआ है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल विथ 100% अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन प्लस DIMS टेक्नोलॉजी जो होता है, सेम मैंने बताया, मायोपिया को क्योर करता है, 59% तक वो कम कर सकता है, 59-60%। ओके, प्रोडक्ट की फीचर की बात करेंगे तो यूनिक पेटेंट डिजाइन है एक्चुअली उनका, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल विथ 100% UV प्रोटेक्शन, वाटर रिपेलेंट विथ स्पेशल डस्ट एंड स्मज वाटर रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट बेनिफिट प्रोवाइड इफेक्टिव रिजल्ट, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल इजी टू अडॉप्ट टू लाइक सिंगल विजन लेंसेज, सेफ एंड नॉन इन्वेसिव। ठीक है, माय स्मार्ट कोटिंग की बात करेंगे तो सबसे जो ऊपर वाली कोटिंग है तो उसमें होती है वाटर रिपेलेंट, प्रिवेंट वाटर स्टेन, बाद में स्पेशल एंटी रिफ्लेक्टिव ड्यूरेबल कोटिंग विथ यूवी प्रोटेक्शन है, लॉन्गर लास्टिंग कोटिंग रहता है एक्चुअली उस लेंस के अंदर। ओके, सो इसमें एक तरह से मतलब बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे अगर उनका लेंस गिरे भी तो टूटना नहीं चाहिए लेंसेज, और शटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसमें एक्चुअली। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे तो ये 2 ईयर क्लिनिकल ट्रायल इस मतलब लेंस का चला गया, 2 साल ट्रायल करने के बाद पाया गया कि ये जो लेंसेस है 60% मायोपिया को कम करने में मदद करता है एक्चुअली। ओके, दिस फाइंडिंग प्रोवाइड स्ट्रांग एविडेंस एक्चुअली। ओके, अवार्ड विनिंग की बात करेंगे तो 2018 में इसको जो कि DIMS टेक्नोलॉजी के लिए ग्रैंड प्राइज, ग्रैंड अवार्ड एंड स्पेशल गोल्ड मेडल मिला 46th इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन जिनेवा में। 2020 में सिल्मा डियोर अवार्ड मिला इन लोगों को विजन कैटेगरी एट द सिल्मा पेरिस ऑप्टिकल फेयर में एक्चुअली। ओके, उम्मीद है वीडियो और PPT देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेंसेस कैसे काम करता है एक्चुअली। ओके, बट लग रहा है कि नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आया, तो मैं हूँ ना आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा ID रिमेन द सेम है, iRakeshSingh21। ओके, सोशल मीडिया पे किसी कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो मुझे। ओके, थैंक्स सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।